हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है स्केल हिंदुस्तान में। आज हम सीखेंगे कि एम्पियर से एचपी या किलोवाट कैसे निकालते हैं, और हर जगह काम आता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था आप लोगों से कि ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर मुझे चाहिए चाहिए, तो इसलिए अभी आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज मिलने वाली है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारा नए चैनल है स्किल्ड हिंदुस्तान एक्सपेरिमेंट, स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन और स्किल्ड हिंदुस्तान स्टोरीज, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आप में कुछ सीखना चाहते हैं। अभी बात करते हैं मुद्दे की कि एम्पियर से कैसे निकालें, एम्पियर से एचपी और वाट कैसे निकालें। तो इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला क्या है, हम थ्री फेस का बात कर रहे हैं, थ्री फेस की मोटर का बात कर रहे हैं, अगली बार हम सिंगल फेस की मोटर का या थ्री सिंगल फेस का बात करेंगे। तो वाट, हम वाट निकाल रहे हैं, वाट निकालने का फॉर्मूला है ये अंडर रूट थ्री गुणा में वी गुणा में आई गुणा में कोस फाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें क्या पता है, हमें पता है भाई एम्पियर का, वाट का हमें वाट निकालना है, तो वाट की जगह वाट लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे, अंडर रूट थ्री की जगह 1.732 लिख देंगे, गुणा में वोल्टेज है हमारी 415 वो लिख देंगे। आई क्या है, आई हम मान लेते हैं कि भाई 10 है, 10 है हमारी आई, एम्पियर हमारा कितना है, कोई भी सिस्टम 10 एम्पियर ले रहा है, उससे हमें वाट निकालना है या किलो वाट निकालना है। तो आई लिख लिया हमने 10 इधर, भाई सर ये 10 कहाँ से आया, भाई मानना है हमने, जितने एम्पियर का आप निकालना चाहते हैं वो रख देना है यहाँ पे बस। फिर अब कोस फाई, कोस फाई क्या चीज़ है भाई, ये हमारा जो पावर फैक्टर होता है उसका मान होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इधर 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 5750, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये वाट आ गया, हमने क्या निकालना है, किलोवाट निकालना है, तो इसको 1000 से भाग कर देंगे, किलोवाट आ जाएगा 5.750 किलोवाट आ जाएगा, ये 5750 वाट आ गया है। भाई सर ये तो वाट तो आ गया, बट एचपी कैसे बनाएंगे इसको, भाई बहुत ही आसान है, आपको पता है ना एक एचपी कितने के बराबर होता है, एक एचपी हमारा एक एचपी बराबर होता है 746 के बराबर। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको भाग दे देंगे 746 से, और ये कितना आ जाएगा 7.70 एचपी। तो इस तरह करके आ गया है, तो बहुत ही आसान है, कहीं कोई मुश्किल भरी कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर। और अब भी मुश्किल लग रहा है तो दोस्त एक बार और देखो, दो बार देखो, जब तक कन्फ्यूजन नहीं दूर होता है कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ और कोशिश करेंगे आपको, बट इससे आसान कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।